स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। जी हां, राजधानी जयपुर में गरीब व असहाय लोगों के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक अनूठा दान सामने आया। आइए एक नजर डालते हैं उस अनूठे दान की। राजधानी जयपुर में वैश्विक महामारी कोरोना के बीच लोग भूखे और असहाय लोगों की खाना, सूखी राशन सामग्री समेत कई तरीकों से मदद कर रहे हैं, लेकिन जयपुर में सामने आया अनूठा दान, जहां समाज सेवी प्रवीण तंवर, होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर के एम पारिक के साथ मिलकर शहर में जगह जगह जाकर सड़क पर रहने वाले गरीब, असहाय और भिक्षावृत्ति करने वालों की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जेएलएन मार्ग, रामनिवास बाग, रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिजों के नीचे रहते हैं और इस बीमारी में उन्हें होम्योपैथी की दवा दी जा रही है। प्रवीण तंवर ने बताया कि अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को होम्योपैथी की दवा और मास्क वितरण कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस समय ऐसे लोगों को भी कोरोना का खतरा है और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना भी बेहद जरूरी है, जिससे ये लोग भी ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने जीवन की रक्षा कर सकें। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।